दोस्तों लंबे समय से लोगों की यही धारणा रही है कि एयर होस्टेस का काम हवाई जहाज में एक वेटर जैसा होता है। हालांकि अगर दोनों के काम में समानता देखें तो किसी रेस्टोरेंट का वेटर हो या फिर एयर होस्टेस, दोनों को ग्राहकों को खाना व प्लेट परोसने का काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एयर होस्टेस का काम महज एक वेटर जितना नहीं है। एयर होस्टेस को यात्रियों की सुरक्षा व यात्रा के दौरान उनका ख्याल रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों यदि आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि एयर होस्टेस का काम क्या होता है, एयर होस्टेस बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है और हम एयर होस्टेस कैसे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास करनी होती है। जिन कैंडिडेट ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की उन्हें एक टेस्ट देना होता है जिसका नाम है GED टेस्ट, यानी कि जर्नल एजुकेशन डेवलपमेंट टेस्ट। आपको ये पास करना होगा, उसके बाद ही आप एयर होस्टेस बन सकते हो। दोस्तों कंप्यूटर व गणित की सामान्य जानकारी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, तो आपको गणित और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ के साथ अगर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पकड़ है तो उसका अलग लाभ मिलेगा। दोस्तों कैंडिडेट ने एयरलाइन द्वारा निर्धारित स्थान पर 3 से 6 हफ्ते का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको कंप्लीट किया होना चाहिए, तभी आप एयर होस्टेस बन सकते हो। और 12वीं पास करने के बाद एयर होस्टेस बनने के लिए आप सीधे किसी एविएशन ट्रेनिंग संस्थानों में एप्लीकेशन भेज सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, एयर होस्टेस बनने का क्या प्रोसेस है। दोस्तों सबसे पहले आपने किसी मान्यता प्राप्त केबिन क्रू ट्रेनिंग संस्थान से एयर होस्टेस की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, या एयर होस्टेस का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। आप जिस एयरलाइन के लिए काम करने के इच्छुक हैं उनके बारे में आपने गहनता से रिसर्च करनी है और उनके गंतव्य स्थानों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करनी है। एयरलाइन की वेबसाइट पर कैरियर पेज को अच्छे से पढ़ें और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया व योग्यता को समझें। दोस्तों ये सुनिश्चित करें कि आपका जो पासपोर्ट है वो अप टू डेट रहना चाहिए, उसकी अंतिम तिथि कम से कम 12 महीने बाद हो, और आपने ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी देश में आपका वीज़ा प्रतिबंधित न हो। अगर आपके पास ग्राहक सेवा से संबंधित काम करने का न्यूनतम 2 साल का अनुभव है तो आपको वरीयता मिल सकती है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपको कहां आवेदन देना है। अगर आपका आवेदन देखकर कोई एयरलाइन आपको बुलाती है तो आपको इंटरव्यू व ग्रुप डिस्कशन के लिए नियत स्थान पर आना होगा। इसके अलावा आपका ड्रग व बैकग्राउंड चेक भी किया जाएगा। इंटरव्यू में सफल होने पर आपको अपने पसंदीदा ट्रेनिंग संस्थानों में दाखिला मिल जाएगा। कि एयर होस्टेस का क्या काम होता है। दोस्तों मुख्य रूप से एयर होस्टेस को 3 काम करने होते हैं। पहला काम यात्रियों को सुविधा व सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा काम विमान से उतरने में यात्रियों की सहायता करना, और तीसरा काम उड़ान से पहले और उड़ान के बाद विमान की जांच करना। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एयर होस्टेस बनने की जो न्यूनतम आयु है वे 18 से 21 वर्ष है। कैंडिडेट की लंबाई कम से कम 5 फीट या फिर 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। आपका जो वजन है वो आपकी लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। आपके शरीर में कोई टैटू नहीं होना चाहिए जो कि यात्रियों को दिखे, और आपने अपने जीवन में कभी भी मानसिक बीमारी का अगर सामना किया है तो आप एयर होस्टेस नहीं बन सकते। जो कैंडिडेट एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करते हैं उनकी आँखों की जाँच की जाती है। कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे के साथ कैंडिडेट की दूर व पास की नज़र चेक की जाती है। इसके साथ ही कैंडिडेट के सुनने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी भी जांच की जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एयर होस्टेस की सैलरी के बारे में कि एयर होस्टेस को कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों एक एयर होस्टेस के तौर पर आपका वेतन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी एयरलाइन के लिए काम कर रहे हो। औसतन एयर होस्टेस लगभग 25,000 से 40,000 रुपये प्रति माह की कमाई करती है। वहीं घरेलू एयरलाइन के साथ सीनियर पद पर काम करने वाली एयर होस्टेस का वेतन लगभग 50,000 से 75,000 रुपये होता है। अगर निजी एयरलाइंस की बात करें तो उनके द्वारा लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है।
दोस्तों अगर एयरप्लेन में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको शांत रहकर यह सुनिश्चित करना है कि यात्री सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। आपके पास किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कला होनी चाहिए। आपके पास विभिन्न संस्कृति के लोगों के साथ मिलकर काम करने की कला होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आप एयर होस्टेस बन सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप एयर होस्टेस कैसे बन सकते हो। एयर होस्टेस बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एयर होस्टेस को कितनी सैलरी मिलती है, एयर होस्टेस बनने के लिए आपके पास कौन कौन से ज़रूरी गुण होने चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।